गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले उठ के उठ चुका हूँ। अब तब नहाने जाऊंगा और मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारे पेड़ आज। तो गाइस हमारे यहाँ पे कितने सारे पौध उग गए, कितने सारे फूल हो गए हैं। और ये देखो ये कितना बड़ा हो गया, मतलब इसका मुझे पता था, नाम नहीं पता, लेकिन हाँ एक बताया था उन्होंने, चाचा जी हमारे, इसका नाम है रैपट पेड़ का। और वैसे पता नहीं भाई रियल नेम क्या है, पर इसमें इतने सारे रैपट, इतने ही बड़े बड़े वो आ रहे हैं फूल, देखो कितना बड़ा है। हाँ मतलब हाँ देखो हाँ जितना ही मतलब रैपट ही लगेगा किसी का लगेगा तो। और ये देखो ये ऊपर तक का, वहाँ तक ये देखो सारे उग गए हमारे घर पे बहुत बहुत सारे। अब क्योंकि एक तो टूट गया था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर आपने देखा हो तो वाला व्लॉग। और बस मैं नहा के आऊँगा यार, मैंने बाल देखो कितने अजीब से हो गए, और मैंने कटवाया भी नहीं, सोच रहा था आज कटवाने को, तो कल को कटवाएंगे, कल या संडे को। तो चलो गाइस पहले मैं नहा के आता हूँ, मिलते हैं उसकी थोड़ी देर बाद। बज गए हैं 12:15 और मैं नहा तो लिया था पहले ही, पूजा भी कर दी थी। और आज मैं जाऊँगा शिप्रा के घर पर शाम को जीजू के साथ, जब वो ऑफिस से घर जाएंगे तो वो मुझे लेके चलेंगे। और फिर कल को भी मैं वहीं पर रहूँगा और संडे और शिव का वो दिखाऊँगा उनकी पागलपंती आज रात को भी जब आऊँगा तब। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और अब बस 4:30 बजने वाले हैं, और 5:30 बजे जीजू आ जाएंगे, फिर मैं जाऊँगा जीजू के साथ शिप्रा के घर पे, और वहाँ पे फिर शरणे को दिखाएंगे हम। तो भाई बहुत दिन हो गए शरणे के, शरणे आया भी नहीं है इस वजह से, इसलिए हम भी मुझे जाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं कल जाता अगर वैसे ना आते अगर जीजू आज देने, तो वैसे तो जीजू को जाता ना, बस आज मुझे कह दे कि आज चल, कल को छुट्टी रहेगी मेरी, कल को जीजू की छुट्टी रहेगी इस वजह से, वरना फिर मैं कल को ही जाता सुबह बस से, और फिर आ जाता परसों को, और अब भी परसों को ही आऊँगा बस। फिर तो अब देखते हैं कब तक आएंगे जीजू, जब जीजू आएंगे फिर तो भी जाने लग रहा, तो फिर देखता हूँ उनका ही वेट करता हूँ मैं तो। अब मम्मी भी बाहर गई है कीर्तन में, तो कैसे यार अभी तक जीजू नहीं आए हैं, जब जीजू आएंगे तो फिर मैं जाऊँगा दीदी के घर पर, और कह रहे थे 10 मिनट में आने के लिए, और अब 20 मिनट हो गए अभी तक नहीं आए हुए, 5:30 बजे गए थे और आने वाले हैं, 6 बज रहे हैं, 5 मिनट है बस। अब देखते हैं कितनी देर में आएंगे और फिर जाऊँगा मैं। अब रास्ते में तो मैं दिखा नहीं पाने का, कभी रात ही हो जाएगी, कभी भूत भूत आ जाए कैमरे में कैद हो जाए इस वजह से। आ गया मैं यहाँ पे दीदी के पास, हेलो कहते यहाँ पे रियांशी वो शिविका, और यहाँ पे पीछे मोसी और जीजू, एंड बाहर चल रहा काम ट्रकों का, मतलब हाईवे का, जो मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में दिखाया था पीछे, जब देखा हो आप किसी ने। एंड दीदी इधर की साइड, तो भाई दीदी ये रही है, बना रही है मेरे लिए चाय। हेलो, अब मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि ये बाहर ठंड से आए हैं, मुझे नगर से थाना भवन, तो अब मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। देखो मतलब सर्दी से आए तो ये चाय बना रही है, कितनी हाँ? बढ़िया बहन है ना, है ना, वो भी अदरक डाल के। अरे वाह तो ये हमारी शिवी का, हेलो करियो शिवी, हाय बोलो बोलो बोल, हाय। यहाँ पे दीदी है, यहाँ पे जीजू बैठे हैं और शरण है, और हम देख रहे हैं टीवी, और यार दीदी देख रही है हमें। हेलो, वी आर बैक। तो हम देख रहे हैं गाइस डीजे मूवी, ये हमारी दीदी, मतलब इन्हें फोर्स मारने की याद है, लेकिन है वापसी। और ये हमारी शिवी का खड़ी हो गई है, करी हेलो करी उन्होंने, हेलो हेलो हेलो, चल के दिखा रही है, चल के दिखा। और यहाँ पे जीजू कर रहे हैं काम थोड़ा बहुत, एंड शरण को देख, शरण को दिखा, शरण वहाँ बैठे देखो क्या कर रहा पागल बनती से। अभी देख रहे हम डीजे मूवी देखेंगे बहुत देर तक, पहले तो छपकली देख, और ऊपर देखो छपकली दिखाते हैं, तो वहाँ देखो छपकली, शिवी का भगा रही उसे छिपकली को, बप कर दे कर दे बप,
जल्दी को अपनी गन्ने की बदतमीजी हंस रही है अपनी गन्ने की छिपकली को बिल्कुल भी और बाहर बन रहा है हाईवे क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया था मैंने होम टूर कराया था दीदी के घर का तब हाँ मतलब रोड थोड़ी ठीक होगी अब वहाँ खड़ा है ट्रैक और वहाँ है पेट्रोल पंप और आगे है पिज्ज़ा वाला जहाँ पे लाइटिंग गिर रही है वो लाइट वहाँ पे तो चलो गाइस करते हैं व्लॉग को एंड व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।